नमस्कार, मैं रूपांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। भारत की बात बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबर दिल्ली से है, जहां पर अग्निपथ को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा प्रदर्शन। सत्याग्रह पर बैठने कांग्रेसी बैठे हैं, राहुल गांधी भी हो सकते हैं शामिल। अग्निपथ को लेकर कांग्रेस का आज प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा प्रदर्शन, राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। सत्याग्रह पर बैठेंगे आज कांग्रेसी। राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। अग्निपथ को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन आज। दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा आज कांग्रेसियों का प्रदर्शन, राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। सत्याग्रह पर बैठेंगे आज कांग्रेसी। राहुल गांधी भी हो सकते हैं शामिल। दिल्ली में अग्निपथ को लेकर कांग्रेस का आज प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा प्रदर्शन। सत्याग्रह पर बैठेंगे कांग्रेसी। राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में अग्निपथ को लेकर कांग्रेसियों का प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा प्रदर्शन। सत्याग्रह पर बैठेंगे कांग्रेसी। आज कांग्रेसियों का प्रदर्शन, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। सत्याग्रह पर होगा प्रदर्शन। अग्निपथ को लेकर कांग्रेस का आज प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा प्रदर्शन। सत्याग्रह पर बैठेंगे आज कांग्रेसी। रेजिडेंस एडिटर अमित दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज कांग्रेसियों का प्रदर्शन होगा, जिसमें राहुल गांधी के भी शामिल होने की बात हो रही है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अग्निपथ को लेके पूरे देश में विरोध चल रहा है, खासतौर पे 6-7 राज्य हैं जहां पे ज्यादा विरोध देखने को मिला। उसमें बिहार और यूपी जो है प्रायोरिटी पे था, जहां पे सबसे ज्यादा विरोध देखने को मिला। अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से बाकायदा एक लेटर लिखा गया, जिसमें कहा गया है कि तमाम छात्र जो प्रदर्शन करें वे प्रदर्शन करें, लेकिन अहिंसा के साथ प्रदर्शन करें, हिंसात्मक होने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस उनके साथ है। और इसी क्रम में आज कांग्रेस जो है दिल्ली के जंतर मंतर पे सत्याग्रह करने जा रही है, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होंगे और माना यह जा रहा है कि राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। कल जो है कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जिसमें कहा गया था कि आखिरकार क्या वजह रही जो सरकार को पुरानी भर्ती योजना हटानी पड़ी और ये नई अग्निपथ योजना लानी पड़ी। तो इसे लेके कांग्रेस जो है, कांग्रेस साफ कर दिया कि वो छात्रों के साथ खड़ी है और इसे लेके आज कांग्रेस जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने वाली है। जी बिल्कुल अमित, तो कांग्रेस का आज प्रदर्शन होगा, सत्याग्रह पर प्रदर्शन होगा। कौन कौन शामिल हो सकता है आज, बड़े नेता कौन हो सकते हैं? देखिए बड़े नेताओं की बात करें तो तमाम कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, खासतौर पर हम बात करें पवन खेड़ा की, बात करें प्रमोद तिवारी की, बात करें कन्हैया कुमार की, बात करें रणदीप सुरजेवाला की, बात करें केसी वेणुगोपाल की, बात करें तमाम कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो सत्याग्रह में शामिल होंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही तय कर लिया है। लेकिन जो अभी तक क्लियरेंस कांग्रेस तरफ से नहीं हुआ है वो राहुल गांधी को लेके नहीं हुआ है। कहा यह जा रहा है कि सत्याग्रह में राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं, हो सकता है प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहाँ पे पहुंचे। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो जिन नेताओं के मैं लगातार नाम बता रहा हूँ, ये तमाम नेता जो है आज सत्याग्रह में शामिल होंगे। लगभग 12 बजे के आसपास, 11:30 बजे के आसपास जो है सत्याग्रह कांग्रेस का शुरू होगा
और हालांकि पुलिस ने जरूर यहां पे दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए हैं। लगातार कांग्रेस का पिछले कई दिनों से हमने प्रदर्शन देखा है, खासतौर पर राहुल गांधी से जब ईडी की पूछताछ हुई थी, लेकिन इस प्रदर्शन को नाम जो है वो सत्याग्रह दिया गया, यानी कोई भी हिंसा की बात नहीं होगी, कांग्रेसी आके जंतर मंतर पर बैठेंगे और सत्याग्रह करेंगे। तो ऐसे में पुलिस भी अपनी तरफ से एहतियात बरत रही है कि किस तरह से इस प्रदर्शन को रोका जाए और किस तरह इसे हैंडल किया जाए। फिलहाल कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है और आज कांग्रेस का ये सत्याग्रह जंतर मंतर पर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल अमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज कांग्रेसी प्रदर्शन करेंगे, सत्याग्रह पर बैठेंगे आज कांग्रेसी, जिसमें कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं, राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। अग्निपथ को लेकर विरोध